हाँ जी नमस्कार जी, जय शंकर जी। अच्छा, नमस्कार आपका जो केस है बहुत ही ऐसा केस है जिसको मौत को चुनौती देने वाला आपका एग्जाम्पल है। तो आपने मौत के मुंह से आप निकले हैं, थोड़ा अपना बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या समस्या आई थी जिसको आपने जीता है। सर, मेरा एसआईटिस था, बहुत ज्यादा एसआईटिस था, पेट में अच्छा, पानी भरा हुआ था, साइटस था जी, आपको, लीवर का प्रॉब्लम था, जी, लीवर का समस्या लीवर का था। प्रॉब्लम, अच्छा। जी, मैंने एलोपैथिक मेडिसिन बहुत जगह इलाज कराया था। हाँ मैं बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, हाँ यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराया था अपोलो जो है वहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है अपोलो। अच्छा छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ के डॉक्टर, यहाँ से मेदांता रिफर हुआ था एयर एम्बुलेंस से एयर एम्बुलेंस से। यहाँ। अच्छा, क्या हुआ, डिजीज क्या थी आपको? डिजीज था, एसाइटिस था और लीवर का ही प्रॉब्लम था, मैं बेहोश हो गया था और लीवर अच्छा, ट्रांसप्लांट के लिए गया था मेदांता में, यहाँ से रिफर किया था, एयर एम्बुलेंस से गया था, दिल्ली गए थे आप? हाँ, एयर एम्बुलेंस से बेहोश एयर एम्बुलेंस से। अच्छा, था मैं। तो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गए थे, तो फिर उन्होंने किया लीवर ट्रांसप्लांट या नहीं किया? नहीं, वहां पर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, हाँ, वहां पर मेडिसिन ही देते रहे। अच्छा, उन्होंने फिर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया, बस मेडिसिन देते रहे। ओके। जी, और बहुत सारे टेस्ट, जितना टेस्ट होना था, लीवर बायोप्सी हुआ था, हाँ वेंटिलेटर में था, तो ये ट्रिकोस्टोमी हुआ था यहाँ गले में, अच्छा, यहाँ से वेंटिलेटर वेंटिलेटर पे भी चले गए थे। अच्छा में था। हाँ, 3 महीने तक था वेंटिलेटर, अच्छा जी, 3 महीने, अच्छा। अपोलो और मेदांता, एयर एम्बुलेंस में भी वेंटिलेटर से ही गया था, इतना अच्छा, दिक्कत था। तो कब हाँ, हुई थी ये प्रॉब्लम, कब हुई थी लीवर का? ये प्रॉब्लम हुआ था 2015 दिसंबर में, अच्छा दिसंबर 2015 में, अच्छा 5 साल पहले। और दिसंबर 2015, जी, और उससे पहले भी था, 2014 में ऑपरेशन कराया था मैं, गॉलब्लैडर का, अच्छा पित्त थैली का निकाल दिया है, पित्त थैली को, उसके अच्छा बाद से पेट में पानी भरना शुरू हुआ था, तब से फिर वो मेडिसिन चेकअप वो चलता रहा, कई जगह, बहुत हैदराबाद, उधर भी गया था, हैदराबाद गया था, एआईजी में चेक कराया था, सीएमसी बेल्लोर में भी एडमिट था मैं बहुत दिन तक, सीएमसी बेल्लोर में, सीएमसी वेल्लोर भी गए, हैदराबाद भी गए, दिल्ली भी गए। पानी, अपोलो बिलासपुर, काफी पानी भी भरा था, साइटस भी था, हर्निया था, हर्निया। एसआईटिस का ही रीजन खोजते थे, हार्निया भी हुआ था, एसआईटिस कारण हार्निया हो जाता था, नीचे तक, मतलब अच्छा दिक्कत आता था बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, वो सब एलोपैथिक में तो कोई उसका, वो लोग ठीक ही नहीं कर पाए, और ठीक नहीं होगा ऐसा बोलना रहता था उनका, कि कभी लीवर ठीक नहीं ट्रांसप्लांट होगा। करते रहता। हाँ, टेपिंग करते थे बार बार, कई बार, 50ों बार टेपिंग हो चुका है, अच्छा वीक में 2 बार, 10 10 लीटर, 12 लीटर पानी निकल जाता था, अच्छा एल्बुमिन लेना पड़ता था, अच्छा इतना मतलब दिक्कत होता था, बहुत ही ज्यादा दिक्कत, ऐसा लगता था कि वो जीना मुश्किल, मरने के बाद ही ठीक होगा या ठीक ही नहीं होगा, ऐसा लगता अच्छा तो फिर आपने बहुत अपने ज्यादा। आप को हौसले में कैसे रखा है, कैसे अपने आप को इतना हौसला ये दिया? आपका जो एक्चुअल में आपका नेट से मेडिसिन देखा था कि ये ऐसा लगता था कि आयुर्वेद में ठीक होगा अच्छा उनको, तो वो जो भूमि आंवला पुनर्नवा, ये जब नाम सुनते थे ना, तो हाँ ये हाँ इसी से ठीक होगा ऐसा मन में आता था, लीवर से ठीक होगा करके, तो आपका जो मेडिसिन देखा लीवर यकृत प्लान तक चूर्ण, हाँ हाँ वो हम लोग ने लिया करता था, यकृत प्लान तक चूर्ण, है ना, पहले अच्छा
यहाँ पर जो हॉस्पिटल में रहते थे तब भी हम लोग उसको यकृत प्लांतक चूर्ण को घोल के काढ़ा उसका पीते जाते थे, तो उसके कारण कुछ तो लीवर उसी समय हमारा ठीक होने लग गया था। हाँ, इसलिए इसीलिए जान बचा एक्चुअल में। वो डॉक्टर लोग तो बोलते थे एलोपैथी के तो मर जाएगा, है ना। उस चक्कर में कई एक्सरे सीटी और बहुत सारे, है ना, एंटीबायोटिक, लाखों रुपए, बहुत सारे उसमें तो लाखों रुपए खर्चा हो गया था, अच्छा, लाखों रुपए। लगभग कितना इसीलिए खर्चा आ गया होगा अब तक? वो तो 70-80 लाख रुपए आ गया सर, बहुत साल अच्छा, तक के। वो दिक्कत मैं बता रहा हूँ, जैसा हॉस्पिटल है ना, एयर एम्बुलेंस से जाना, फिर वो हाँ, मेदांता का मुश्किल तो खर्चा, होती है है। ठीक बात है। ना। हाँ जी, एक्चुअल मैं भिलाई स्टील प्लांट में जॉब में हूँ, अच्छा, सेल वाला जो भिलाई स्टील प्लांट रहता है ना हाँ, छत्तीसगढ़ का, उस ओके ओके। तो इसमें आपको आयुर्वेद में और कौन कौन सी दवाइयाँ आपने खाई यकृत प्लीहांतक को छोड़ करके? यकृत प्लांतक चूर्ण और ये आपका जो लीवर डिटॉक्स है, आपका जो जो फिर मेडिसिन था पूरा पैकेज था वो लिया था मैंने। अच्छा, यकृत प्लांतक जो लीवर डिटॉक्स है और इकिनेशिया और ये पुनर्नवा, जो जो आपका जो पैकेज रहता था, हाँ, वो देते थे। जो तो दवाई का लगभग लीवर डिटॉक्स वाला, कितनी देर बाद आपको असर आना शुरू हो गया था दवाइयों से, मेरी दवाइयों से? ये दवाइयाँ तो 4 महीने खाया तो थोड़ा सा मतलब मेरे को ही अच्छा लगने लग गया उसमें। 3-4 महीने बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लगने हाँ लगा। हाँ और जब करीब 8 महीना तक लिया, उसके बाद वो जो डायुरेटिक लेता था ना, एलोपैथिक में डायुरेटिक देते थे यूरिन कराने के लिए, इस जो जितने प्रकार के डायुरेटिक है सब खाए हूँ, टार्सेमाइड, लेसिलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन, एमीफ्रू, ऐसा जो डाइट और इसमें वगैरह दवाई आती है एलोपैथिक का, जी, डाइट और सब खाए? अच्छा, वो खा खा के चलाता था, और वो टेपिंग हुआ करता था, टेपिंग में जाता जी, तो टेपिंग करना पड़ता था बार बार। तो 8 महीने खाया, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा पानी कम होने लगा, मेरे को अच्छा लगने लगा। मतलब 8 महीने तक आपको लग गए पानी हाँ का रिजल्ट आने में, धीरे धीरे आया रिजल्ट। हाँ, तो इतना लग जाता है। तो यही मैं पेशेंट से कहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि 2-3 महीने में कि तो ठीक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टाइम तो लग जाता है। मैं तो मेरा हालत तो बहुत सीरियस हालत था ना, जिसमें जैसे 12 लीटर पानी भरा है कैसे लगेगा, हाँ जिसके पेट में 12 लीटर पानी निकलता हो, हाँ चलना फिरना बहुत मुश्किल। मुश्किल तो रहता हर्निया था भी था अभी अभी दिखाई, अभी कोई फिर साथ। हसाइटस, अभी हसाइटस है कुछ? अभी पेट बिल्कुल नहीं, अभी कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। स्पाट है पेट, है हाँ, पेट साफ ये है बिल्कुल ना, प्लेन है। हाँ, और हर्निया भी बिल्कुल नहीं है। ठीक जी। तो आपको बेसिकली अभी ये ले, भी शरीर वीक है हाँ, पर हाँ परंतु फिर भी मतलब आपने हिम्मत दिखाई है, आपके जैसा जो एक, बिल्कुल बिल्कुल, अभी चलता फिरता हूँ, अपना खुद कार चलाता हूँ अभी, पहले तो अच्छा बेड में ही था, बेड बेड से ही अब नहीं उठेगा ऐसा बोलते थे डॉक्टर लोग, बेड अच्छा से ही नहीं उठ पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, है ना। अच्छा मैंने तो अल्ब्यूमिन, दो तीन बार ऐसा, अल्ब्यूमिन काफी ज्यादा कम रहता था, क्या होता था? अल्ब्यूमिन चढ़ाते थे? हाँ कम रहता था, 2 से भी 2.4 यहाँ तक का कम आ जाता था, है अच्छा, ना, 3.5 होने से वो तब तक का। और कई एल्बुमिन तो बहुतों बार लिया है ना, कितने हजारों बार ब्लड टेस्ट हुआ नहीं तो होगा। आपको डॉक्टर क्या बोलते थे कि क्या क्या उम्मीद है या क्या होगा? अब वो टेपिंग करते रहिए, टेपिंग कराते रहिए, वही है ना, उसमें जान तो जाना ही था, और क्या है उसमें, अच्छा, है ना। जो हाँ जो जो नहीं ठीक होगा बोलते थे तो, है ना, लीवर ट्रांसप्लांट करो, लीवर ट्रांसप्लांट करो, ऐसा करके, है ना। तो लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो भी उसके बाद भी वो ठीक हो जाए, ऐसा कोई उसमें ये नहीं रहता है कि ठीक ही हो जाएगा, वो अच्छा, एक दिक्कत था, है ना। इतना शरीर वीक था, जो चल फिर नहीं पाता, हड्डी था, स्किन भी सब खराब हो गया था मेरे, स्किन, है ना, ये सिर में बड़े वो जो बेड सोर होता है ना, ऐसा हाँ ये सिर सिर पूरा बहुत गहरा हो गया था, उसमें प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ऐसा बोलते थे, अच्छा, तो उसमें भी फिर
आपके ऐसा जो चिंतन हो परिवार गया वाले था। हैं, वो सब परिवार वाले भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते होंगे। बहुत बहुत चिंतित सर। एक बेटी तो मेडिकल मेडिसिन वाला डॉक्टर बन गई है अभी, अच्छा जो पढ़ती थी उस तब तो मेडिकल कॉलेज MBBS में थी अच्छा यहीं बिलासपुर में। अच्छा हाँ अभी तो वो MD डॉक्टर बन गई है, मेडिसिन गई, जनरल मेडिसिन का तो वो MD खुद कर आपकी ली है। बेटी MD मेडिसिन डॉक्टर है, तो उसका कुछ आयुर्वेद के प्रति विश्वास जागा या क्या कहती है वो, उसका क्या ओपिनियन है? हाँ उनका वो आयुर्वेदिक, वो उनका उनके पास तो पूरा वो मेडिकल का हिस्ट्री था है हाँ ना, उनके तो वही किताब में ही पढ़ते थे ऐसा है इसमें लीवर सिरोसिस होगा फिर और उससे आगे क्या होगा, हाँ वो तो उनका चार्ट ही बना रहता है, डेथ उसके बाद लीवर कैंसर फिर डेथ, ऐसा हाँ एलोपैथिक वाला किताब तो बहुत सारे हैं, हाँ जितना मेडिसिन का किताब हो तो सब हमारे घर में है ना, हाँ एलोपैथिक मेडिसिन का जितने भी मेडिसिन बुक है हाँ वो तो सब हाँ है ना। उसमें ऐसा कोई कि कुछ ठीक हो जाएगा बिना ट्रांसप्लांट की, ऐसा कोई लिखा किताब में नहीं। नहीं लिखा है। तो फिर वो बच्ची का, बेटी जो है, अब वो आयुर्वेद को मानती है या क्या कहती है, उसका ओपिनियन बना है पॉजिटिव? मानती है, उनको भी विश्वास था पापा कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये हाँ आयुर्वेद ही रास्ता है और हाँ यही ठीक कर देगा, ऐसा उनका कहना था अच्छा है चलो, ना। मुझे खुशी उससे है। हम कॉन्फिडेंट रहते उसके अच्छा उसी कॉन्फिडेंस आया उससे, तो मुझे हाँ खुशी है कि अगर हाँ हम आयुर्वेद की ज्योत घर घर में जगा पाए और एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आयुर्वेद को करीब से देख पाए और उसको समझ पाए और ये जान पाए प्रैक्टिकली देख के कि ये असलियत में फ़र्क पड़ सकता है आयुर्वेद से और ठीक हो जाते हैं पेशेंट डेफिनेटली। तो हाँ आपका जो हाँ जो वीडियो है ना हाँ इससे, वाइफ हाँ है, अच्छा वाइफ क्या करते हैं? वाइफ और जो बेटी है ना इनने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वाइफ अच्छा भी जॉब में है, वो गवर्नमेंट वाला कमिश्नर है, GST के जॉइंट कमिश्नर है, अच्छा अच्छा तो ओके है ना, तो उनका बहुत बहुत सब सपोर्ट रहा सबका, बेटी और वाइफ का। मैं तो बेहोश रहता था तो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, और जो भी वही हो गया किए है ना, चलो, ऐसा आपका जो ये जो तो इतना मतलब वीडियो बहुत है, ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ। आपने एक तरह से मौत के मुंह से आप निकले हो, वेंटिलेटर से बाहर निकले हो और एसाइटस जो था इतना रहता था तो उससे उसको ख़त्म किया है आयुर्वेद की दवाइयों से, पुनर्नवा भूमि अमला वगैरह ले लेके। तो ये आपका जो वीडियो है ये एक तरह से दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को, जो लोग आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उनके माइंड में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि आयुर्वेद से कुछ ठीक हो भी सकता है कि नहीं, तो ये आपका वीडियो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े आपका लिखे वीडियो परिवार बहुत से हैं, प्लस आपके जो फैमिली में भी बहुत पढ़े लिखे और हाईली इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर बैठे हैं लोग, तो अगर पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये आयुर्वेद काम करता है तो ऑब्वियसली दुनिया जो है वो मानेगी और मानती है। अब हमें बड़ी खुशी होती है बाहर के लोग इसको अपना रहे हैं, तो भारतवर्ष के लोगों को भी इसको अपनाना चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ और यही चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अपनाना चाहिए हाँ आयुर्वेद में, बिल्कुल जो इम्पॉसिबल चीज है वो पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल से भी पॉसिबल हमने देखा है अपनी तो लाइफ में, इतना बहुत केसेस देखे हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपने। और कोई पेशेंस मैसेज, देखिए आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगे, कोई जो लिवर फेलियर से ग्रस्त हो या लिवर की प्रॉब्लम हो उसको कुछ मैसेज आप देना चाहें? आयुर्वेदिक दवाई का बहुत ज्यादा फेवर करता हूँ, और ये आयुर्वेदिक दवा एक बार लेके देखना चाहिए, इससे बिल्कुल फायदा ही होगा, उसमें बहुत फायदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बहुत कहना फायदा चाहूँगा कि होता कम से कम है। पेशेंस से दवाई खाएं। कई लोग 1-2 महीना खा के, 4 महीना खा के बोलते हैं। हाँ हाँ धैर्य से उसको लेना है और धैर्य से अपना लेना। पूरा विश्वास रखना है उसमें। हाँ ये तो मैं तो खुद एग्जाम्पल हूँ, देखिए ना मैं खुद बता रहा आपने हूँ 2 साल तक धैर्य रखा, 2 साल में ठीक हुआ है आपका एक्चुअल जी, में? 1 साल तो लग ही गया मिनिमम। 2 साल चलो है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी।